सर, किसी भी डायरेक्टर को कैसे अप्रोच करें उस स्क्रिप्ट के लिए कि हमारी स्क्रिप्ट कर लो या सर? राइटर बनना है आपको? यस सर। जी, तो बहुत आसान है। आप फोन करिए उनके ऑफिस में और उनसे बोलिए कि आपके पास में स्क्रिप्ट है और पिच करना चाहते हैं, तो कोई भी आपकी स्क्रिप्ट को सीधे नहीं ले लेगा। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सिमिलर सिमिलर सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आपने भी बहुत सारी फिल्में देख के लिखा होगा, तो कोई चाहता नहीं है चीज़ों में पढ़ना। तो पहले एक होता पिचिंग, आपको कोई मिलेगा 10 या 15 मिनट के लिए, तो उसमें आपको पिच करना है अपना आइडिया। आप मेरी तरफ देखिए, तो लिखना पा रहे हैं, मैं आपको स्पेसिफिकली आपके जवाब दे रहा हूँ। पिच तैयार करिए, और अगर आपकी पिच इफेक्टिव है तो फिर कोई आपसे बोलेगा अच्छा सिनॉप्सिस या नॉन सिनॉप्सिस या स्टोरी जो है मेरे को बता दो, और वो चीज़ अच्छी लगी तो फिर वो आपको बुला लेगा। बट जिस कहानी को आप 120 पेज में कह रहे हैं, उसी को आपको 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आप कैसे बाय हार्ट सुना सकते हैं इफेक्टिवली, आप वो आइडिया किसी को भेज सकते हैं। कहीं भी आपको 5 मिनट मिलेंगे, कहीं 10 मिनट मिलेंगे, उसी के अंदर आपको सेल करना है, क्योंकि बेसिक आइडिया उतना ही होता है, बाकी उसका एक्सटेंशन होता है। लेकिन सर ऐसा रहता है कि सबका टेस्ट भी अलग अलग है, जैसे आपने एक नंबर एक में जिहाद की बात होती है, तो ऐसा कुछ है तो इस्लामिक टेररिज्म जिहाद ऐसा कुछ रहता है तो लोग दूर से मना कर देते हैं कि ये चीज़ तो नहीं चाहिए। देखिए क्या होता है इसमें, एक तो व्यक्ति का टेस्ट की बात है, दूसरा फिल्म मेकिंग जो है ना, ये एक्सपेंसिव अफेयर है। फिल्में बहुत महंगी बनती हैं, बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा होता है, प्रोड्यूसर्स का बहुत बड़ा पैसा है स्टेक पर होता है, और कॉर्पोरेट इन्वॉल्व होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली बिजनेस के लिए आते हैं। ऐसी चीजें लोगों को लगता है कि मल्टीपल रीजंस होते हैं, ये कि एक तो ये सोचता है कि मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ इस आइडिया से, दूसरी चीज आदमी को लगता है कि यार ऑलरेडी कोविड का पीरियड है, लोग इतनी परेशानियां देख चुके हैं, अब वो लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट चाहते हैं, लाइट देखना चाहते हैं, तो क्या एक डार्क फिल्म या एक डार्क सब्जेक्ट के लिए कोई अपनी जेब से शेल आउट करेगा, वो पैसे देखने के लिए आएगा? तो अगर आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक बार में बुल्स आई हिट करना है, तो आप क्या करोगे? तो फिर आपके पास में एरर के लिए कोई स्कोप नहीं है, तो आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करोगे, तो फिर आदमी जो उसका कन्विक्शन होता है उससे बेस्ट चीज लेने की कोशिश करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके के सब्जेक्ट के बायर्स नहीं है, सब हैं, कुछ आसानी से मिल जाते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। अगर कॉमेडी आप पिच कर रहे हैं तो शायद लोग ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड होंगे, लव स्टोरी में ज्यादा होंगे, इसमें हो सकता है 10% हो। मगर एक और एक चीज जो अच्छी बात है, इस तरीके की कहानी पिच करने वाले लोग 5% ही होंगे, कॉमेडी पिच करने वाले 95% होंगे, तो आपका कंपटीशन उसी लेवल पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ कम से कम आप यूनिक होने की वजह से स्टैंड आउट करते हो। लेकिन उनको ढूंढना भी मुश्किल रहता है कि किसके पास है। उसके लिए जरूरी है कि पहले खुद की एक अपनी एक शख्सियत बनाओ, अच्छा काम करो, शोहरत बहुत जल्दी फैलती है, पर उसके लिए पेशेंस चाहिए और लगातार करते रहना। राइटर बनना सोचना बहुत आसान है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत लोनली जॉब है। तो सेट पर होते हो, फिल्म बन रही होती है ना, तो आप एंटरटेन रहते हो, आपको पता भी नहीं लगता वक्त कैसे गुजर गया, लेकिन बंद कमरे के अंदर बैठ के लिखना ये सबसे मुश्किल काम है। तो लगातार लिखते रहना, और जब आपको ये नहीं पता कि ये अच्छा है या बहुत अच्छा है, सामने आप जब जाओगे रिजेक्शन होंगी, लोग बोलेंगे नहीं यार नहीं है, आप फिर रीराइट करोगे, फिर से बोलेंगे नहीं जम रहा है, फिर रीराइट करोगे, फिर आप समझोगे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा लॉन्ग प्रोसेस, और कोई भी चीज आसानी से नहीं बनती है, एफर्ट्स तो लगते ही हैं उसके लिए, लेकिन अगर सोच लिया है तो हर चीज पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर 10,000 से ज्यादा राइटर्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो और नए अभी भी आप अक्सर सुनोगे लोग बोलते हैं कि राइटर्स की कमी है, तो एक अच्छी चीज जो जब मैं यहाँ आ रहा था और जो जिस चीज के लिए मैं एक्साइटेड था, वो दो रीजन थे, एक तो ये कि मैं यहाँ केशव सृष्टि पहले आया नहीं हूँ, तो दूसरी कि बड़ी फिल्म मेकर से मिलने का मौका मिल रहा है। आप लोगों के पास में जो एक सबसे अच्छी चीज होती है ना, वो है क्यूरियोसिटी, हर चीज को देखने का एक चाइल्ड लाइक नजरिया। एक टाइम के बाद में अभी जो है आपकी, आप बोल रहे हो ये मुश्किल है मुश्किल है, उसके अलावा आपके पास में कुछ ऐसा है जो यहाँ के स्टेब्लिश लोगों के पास में नहीं है, वो अपना अनुभवों की पोटली लेके जब अपने शहर से निकले थे ना, उसको खर्च कर चुके हैं, आपके पास में वो पूंजी है। अभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक जगह पहुंचे, कितना काम करना होता है आदमी को, आप एक साल में कितनी फिल्म लिखोगे, एक या दो, 365 दिन होते हैं,
अभी आप कितना मटेरियल क्रिएट कर सकते हो और फिर लोगों को पिच कर सकते हो। तो वो जो एक चीज है ना कि जो अपनी यूनिकनेस लेके निकले हो आप लोग, उसको मत खो, वो मेंटेन रहेगी ना तो वो सबको अपील करेगी। और हर आदमी नए टैलेंटेड लोगों को ढूंढ रहा है, सबको जरूरत होती है, इंडस्ट्री में हमेशा चलता रहता है, पुराने रिटायर होने लगते हैं, नए लोग आने लगते हैं, ट्रेंड बदल जाता है। सिनेमा कितना बदलता चला रहा है, हर 10 साल में चीजें बदल जाती हैं। अब आप लोगों का वक्त है, अब ये शुरू हो गया है, जो ये पूरा डेकेड आपका है। सर, कोई पिच करने आता है तो आपका क्या रहता है कि वो किस टाइप की मूवीज आप चाहेंगे कि वो लेके आए राइटर? नहीं, अगर मैं ये चाहूंगा कि वो इस टाइप की लेके आए तो मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ ना आइडिया को। लेकिन फिर भी उसका जो यूनिकनेस है आइडिया, तो वो कैसा होना चाहिए, मतलब उसमें क्या खूबी होनी चाहिए जो आप देखेंगे? देखिए, राइटिंग एक क्राफ्ट है। अगर आपका बेसिक आइडिया अच्छा है, उसके बाद में सवाल दूसरा पैदा होता है कि क्या स्क्रीन प्ले तो उतना इफेक्टिव है, डायलॉग्स भी उतने अच्छे हैं, एज अ टोटैलिटी ये स्क्रिप्ट वर्क कर रही है। आपके लिखे हुए 120 पेज के ऊपर कोई 20 करोड़ रुपए लगा देगा, ये स्टार्टअप के जैसे ही है ना यार। तो अगर आप खुद कन्विंस हो उससे, तो आपको सामने वाले को कन्विंस करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जेन्युइनली कन्विंस। इसलिए नहीं कि आपने लिखा है तो अपनी बनाई हुई हर चीज अच्छी होती है, बट आप जब कंपैरेटिवली वर्ल्ड का सिनेमा देखते हो, हिंदुस्तान के सिनेमा देखते हो, रीजनल फिल्म्स देखते हो, साउथ इंडियन फिल्म्स देखते हो, तो आपको खुद भी एक इस बात का इल्म रहता है ना कि फर्क मेरे मटेरियल में और उसके अंदर क्या है। सबसे बड़ी बात, अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 फिल्में देखी और उसमें से उठा के कुछ चिटका दिया। फ्रेशनेस होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, यही चीजें होती हैं। जी सर, यू इन टीनेज यू सेव्ड योर बॉडी फॉर द किकबॉक्सिंग एंड इवन यू सेव्ड योर मेंटल थॉट प्रोसेस इन अ वे। तो जब फिल्म मेकिंग में शिफ्ट कर रहे थे, क्या उसका इम्पैक्ट अभी तक आ रहा है या कब तक आया था, और उसको शिफ्ट कैसा आ रहा था? देखिए, मार्शल आर्ट जो मेरा जिंदगी का बॉम्बे आने से पहले की लाइफ का जो हिस्सा था, उससे यहाँ आने के बाद में मैंने फिजिकली प्रैक्टिस नहीं किया कभी मार्शल आर्ट्स को या बॉक्सिंग को, मगर वो जो डिसिप्लिन है ना वो हमेशा आपके अंदर रहता है। उसमें जो डिसिप्लिन आप ओरिएंटल फॉर्म्स हैं जो मार्शल आर्ट्स की, जापानीज या चाइनीज या कोरियन स्टाइल का जो भी मार्शल आर्ट है, उसमें डिसिप्लिन बहुत सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और वो डिसिप्लिन अगर किसी भी फॉर्म में आपके अंदर है तो वो आपको हर फील्ड में मदद करता है। तो डेफिनेटली वो डिसिप्लिन जो था और मेंटल स्ट्रेंथ थी, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि 365 दिन होते हैं एक साल में, सारे आपके आपके मुताबिक अच्छे नहीं होंगे, कुछ कम अच्छे होंगे, कुछ ज़्यादा अच्छे होंगे, और कुछ बहुत खराब भी हो सकते हैं। तो इस बात को समझने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ आपके मुताबिक नहीं होगा। जब चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हो तभी भी हौसला नहीं छोड़ना है और कोशिश करनी है, करते रहना है लगातार, बिकॉज यहाँ रुकने का कोई स्कोप नहीं है। अगर आप कभी जीवन में सोच रहे हैं कि यहाँ आएंगे, या मतलब नहीं भी आए, फिल्म मेकिंग कर रहे हैं तो एक पॉइंट पर रुक के देखेंगे, तो रुकने का कोई स्कोप नहीं है। कंटिन्यूस चलते रहना ही सब कुछ है, जर्नी ही इंपॉर्टेंट है, मंजिल जैसी कोई चीज नहीं है। आप 10 फिल्म बना लीजिए, प्रिंस सर जो है उन्होंने, उनकी 100 फिल्म हो गई है, उसके बाद भी उनके अंदर आज भी वो एंथुसियाज्म ऐसे है जैसे वो पहली फिल्म करने जा रहे हो। तो एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाए। तो किसी भी फॉर्म में आप लाइफ में जो भी करते हो, कभी कभी घर के जो बड़े होते हैं वो भी आपको डिसिप्लिन के बारे में बताते हैं, तो वही डिसिप्लिन अगर आपने यहाँ मेंटेन कर लिया तो सभी की हेल्प करता है। उसी तरह सेम वे मार्शल आर्ट ने मेरे लिए हेल्प किया। तो कभी रिग्रेट करते हैं वो फील्ड छोड़ देने का? नहीं, बिकॉज मैं इतने प्यार में हूँ जिसके अंदर मैं हूँ, इस इंडस्ट्री के, अपने काम के, क्रिएशन के, और हर दिन के, कि मैं हर रोज मुझे मौका मिल रहा है यहाँ रहने का, नया कुछ करने का, और मेरे विजन के ऊपर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ बातें नहीं है। तो इससे बड़ी नियामत क्या हो सकती है? कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने उसको जब तक किया 100% टोटैलिटी से किया, और जिस दिन छोड़ा, अब यही मेरा जीवन है, तो मैं इसी के लिए 100% डेडिकेटेड हूँ। जब मैं आ भी रहा था अपने शहर से, उसके बाद मैं पलट के मैं वापस नहीं गया कभी, ना मेरे किसी दोस्तों को मिला, ना मेरे और लोगों को मिला, क्योंकि मैंने पीछे कोई ब्रिज नहीं छोड़ा। वरना अक्सर क्या होता है, जब हम अपने पीछे एक रास्ता बना लेते हैं ना, तो जिस ब्रिज से आप आए हो यहाँ, वो आपको वापस भी ले जाएगा। तो वो ब्रिज तोड़ना बहुत जरूरी है।
ताकि अगर आपके पास में प्लान भी नहीं है ना तो फिर सक्सेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन अगर आपने प्लान भी किया है कि यार मेरा ये नहीं हुआ ना तो मैं 5 साल देता हूँ और फिर मैं ना MBA करूंगा और मैं IIM जाऊंगा या मैं UPSC की तैयारी करूंगा या फिर मैं डेयरी खोलूंगा, कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन है तो आप खुद ही अपने 50% जो है वो आपने गैर जरूरी चीजों में लगा दिया और आप अपने 50% एफर्ट्स कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर। तो मेरा तजुर्बा यही है और मैं बिलीव करता हूँ इस चीज के अंदर कि जो भी है आप सब दे दीजिए इसके अंदर, अगर आप जेन्युइनली डेडिकेटेड हैं, पैशनेट हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। You already have the inputs of the character structure. In case of screenwriting, how you change the characters which is already existed for in See, we were telling the story of 1983. So there was the, basically 83 is a story of say around 30 days. So you are telling the story of 30 days. And there was some 27, 28 years back or maybe 30 years back. So it's easy because there is no evidence, no record. There are just only some score sheet is available. So the rest is your field. You can create the way you want, keeping in mind the mannerism and the body language of the character and the period. So you just have to be a little authentic to the period and you create your character within the premise. How you transform the emotions of the character? It's already there. See, it's a very easy. When you are mounting a sports films, you are already attached. We are telling the biggest underdog story of all time. Post-independence is the biggest victory. So emotion is already there. You just have to wait and then give it a push. Is there any special elements to the film is to be convincing to the audience? You have to write your character effectively. You have to write the screenplay effectively and there is no secret. The only thing is you have to write it right. That's it.